निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित करना है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो गुणनफल ले रहे हैं पहले वाले से रो चुननी है, कॉलम में गुणा करते हुए जोड़ देना है, फिर दूसरी रो चुननी है, सब कॉलम में गुणा करके जोड़ देना है संगत अवयवों का। तो इसका इसमें होना चाहिए ए में, फिर ये इसमें, तो ए गुणा ए प्लस ए गुणा बी गुणा बी, ये वाला आ गया। ऐसे ही ए गुणा माइनस बी, इसमें भी होना है ए गुणा माइनस बी, बी गुणा ए, माइनस बी गुणा ए और ए गुणा बी, माइनस बी गुणा माइनस बी, ए गुणा ए, ये हमारा आ गया है। सरल करना है बस, सिर्फ गुणा इतना लग जाए तो सरल तो हो ही जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी यानी कि जीरो। चलो यहाँ लिख लेते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ऐसे ही माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट के जीरो, ये कट के जीरो, कुल मिला के जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो और जीरो और ये। ऐसे ही इसका करना है सेकंड पार्ट, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बड़ा अजीब तरीके की सवाल है, अक्सर भूल जाते हैं इसे। केवल तीन आर रोज हैं और इधर तीन कॉलम है, तो सिर्फ गुणा होगा, वन गुणा वन, आगे कुछ जोड़ने को है ही नहीं, इसलिए वन गुणा टू, फिर दूसरी रो ले लेंगे दो गुणा तीन, बस आगे है ही नहीं, आगे अगर होता तो वहां गुणा करते। तीसरी रो लेते हैं, पहले चार में करेंगे, आगे कुछ है नहीं, नहीं करेंगे, बस इतना हो गया है, इसी का आंसर हो जाएगा दो छः और बारह। दिस इज अवर आंसर। ऐसे ही तीन वाला करना है, ये सब हो जाएंगे।